अगर वो संजीदा होते अगर वो चाहते ही कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले तो दिल्ली गए होते उनकी अपनी सरकार थी उनके अपने पार्टनर की सरकार थी और यहाँ से सा सारे दल के लोगों को ले जाते जाकर विशेष राज्य की मांग करते और तब शायद सफल भी हो तो जाते क्या बदल जाएगा जी आज जो मनरेगा के पैसे हैं या आवास के पैसे हैं जो केंद्र सरकार देती है उसमें से आधा से अधिक तो ले नहीं पाते हैं विद्यालय महाविद्यालय के जो शिक्षक और चिकित्सा कर्मी जो हैं वो उनसे ज्यादा फटेहाल बिहार में कोई नहीं क्यों तो क्योंकि आपने फीस देने से मना कर दिया जितना सब विद्यालय महाविद्यालय जो है ये सब फॉरवर्डे लोग खोले हुए हैं और वो लोग आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया है तो खुल के बोलिए ना आपने जो पर परिवार इनकम तक जो है पर फैमिली इनकम भी जो है सब में आपने बिहार को सबसे नीचे कर दिया है पूरे देश में नीतीश कुमार हैं अच्छा आज जो भी पार्टियां या राज कर रही हैं इनको केवल दिखाने के लिए कि हम स्वर्ण विरोधी हैं स्वर्ण विरोधी रहेंगे तो बाकी वर्गों का वोट हमको मिल जाया करेगा घुमियार जिनको कहा जाता है कि वो बहुत अमीर है उसमें भी पच्चीस प्रतिशत से अधिक परिवारों की आज छह हजार रुपये से कम है राजपूतों में चौबीस प्रतिशत है ब्राह्मणों में साढ़े चौबीस पच्चीस प्रतिशत है किसकी बात कर रहे हैं नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज फोर्डेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम बिहार में विशेष राज्य के मुद्दे पर फिर सियासत शुरू हो गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मंच से विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे को उठा रहे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए सचिदानंद राय हैं नीतीश कुमार विशेष राज्य के मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं करें आंदोलन करेंगे आप सही में नीतीश कुमार के बातों को बड़ी सृस्ती लेते हैं क्या खुद नीतीश कुमार को पता नहीं होता है कि वो क्या कह रहे हैं स्वीकार करते हैं कि कल कुछ गलत कह गए थे का सुना ना आपने ना कहते हुए उनको खुद ही याद नहीं रहता कि वो क्या बोलते हैं क्या बोल जाते हैं और जहाँ तक सवाल है ये विशेष राज्य का दर्जा तो विशेष राज्य का दर्जा जो पाँच साल तक तो वो भाजपा के साथ सरकार बना के रखे थे सत्रह से बाईस पंद्रह से सत्रह तक तो खूब गर्म थे विशेष राज्य चाहिए था क्योंकि तो तब तो वो आर के कांग्रेस के साथ में थे महागठबंधन में थे चौदह से सत्रह तक 17 से 22 जब सत्रह से बाईस जब गलबहियाँ किए भाजपा के साथ में और केंद्र में भाजपा की एनडीए की सरकार थी तो उस समय उनको याद नहीं आया कि तो अब तो अपनी ही सरकार वहाँ पर हमें विशेष राज्य का दर्जा पास करा लें देखिए एक बात सुनिए अभी जब उनको ये जातिगत सर्वे जो करवाना था तो उसको उसको कराना था कराने से राजनीतिक फायदा उनको दिखाई दे रहा था तो सर्वदलीय बैठक किए और सबको लेकर पहुँच गए केंद्र में कि जातीय जनगणना कराई जाए और जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया तो उन्होंने सदन से पास करके जातीय जाती सर्वे करवा दिया क्योंकि तो उसके बारे में वो संजीदा थे जानते थे कि ये करेंगे तो इससे हमको राजनीतिक फायदा मिलेगा लेकिन विशेष राज्य का दर्जा अगर वो संजीदा होते अगर वो चाहते ही कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले तो दिल्ली गए होते उनकी अपनी सरकार थी उनके अपने पार्टनर की सरकार थी और यहाँ से सा सारे दल के लोगों को ले जाते हैं जाके विशेष राज्य की मांग करते हैं और तब साथ सफल भी हो जाते लेकिन उनको वो नहीं करना है अच्छा एक बात मान लेते हैं थोड़ी समय के लिए विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल जाए क्या बदल जाएगा जी आज जो मनरेगा के पैसे हैं या आवास के पैसे हैं जो केंद्र सरकार देती है उसमें से आधा से अधिक तो ले नहीं पाते हैं तो क्योंकि वो सरकारी धन है केंद्र से लेना है कौन उतना मेहनत करने जाए उससे तो कोई राजनीति से कुछ होना तो है नहीं पैसे खर्च नहीं हो पाते कई विभागों के पैसे देखिएगा मार्च में लौट जाते हैं क्योंकि पैसे खर्च नहीं हो पाते और जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तब तक तो केंद्र का साठ प्रतिशत जो जो केंद्र की योजनाएँ होंगी और चालीस प्रतिशत राज्यांश होता है उसमें अब अगर विशेष तो राज्य हो जाएगा तो नब्बे दस का रेशियो हो जाएगा यही ना होगा तो आप तो भी बैकवर्ड स्टेट का फंड आपको अलग से मिल ही रहा है बैकवर्ड स्टेट होने के चलते एक अलग से आपको फंड मिल ही रहा है आपको सारी योजनाएं मिल ही रही हैं अभी जो किसानों को जो दिया गया किसान सम्मान निधि बिहार के बहुत कम किसान वो पा पाते हैं क्योंकि आपकी सरकार ने उसको अभियान के रूप में चलाया ही नहीं आपको सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपके मन में बैठा हुआ है कि किसान जितने यहाँ पर जमीन के मालिक जो है अधिकांश फॉरवर्ड कास्ट के हैं उन तो लोगों को लाभ मिलेगा तो उससे हमको क्या फायदा है कुमार फॉरवर्ड से विरोध विरोध करते बिल्कुल हैं करते है जी मैं आपको दो तीन चार उदाहरण दे देता हूँ अभी आप देख लीजिए जितने वितरित विद्यालय और महाविद्यालय हैं जितने वितरहित हैं जिनको इन लोगों ने वितरहित से हटाकर अनुदानित विद्यालय महाविद्यालय बना दिया उनको अनुदान कई वर्षों से नहीं पहुंच रहा है कई वर्षों से अनुदान नहीं मिल रहा है वितरित विद्यालयों महाविद्यालय के जो शिक्षक और शिक्षिकेतर कर्मी जो हैं वो उनसे ज्यादा फटेहाल बिहार में कोई नहीं है क्यों तो, क्योंकि तो आपने फीस देने से मना कर दिया अब फ्री में पढ़ाने के लिए कर दिया तो हमदानी तो उससे कुछ है नहीं और आप अनुदान दे नहीं रहे हैं तो फटे हवाई चप्पल पहन कर जैसे उसके शिक्षक और चिकेतर सिच्चे, सिच्चे, कर्मी काम कर रहे हैं हमने जानने की कोशिश की जब एनडीए की सरकार थी तो मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री, मंत्री सबसे मिला कि भाई अनुदान आप दिए क्यों नहीं रहे कई बार सदन में भी उठा तो एक नेता ने बहुत ही मैंने सहजता से हमसे कह दिया कि जानते हैं सीधा बाबू जितना सब विद्यालय महाविद्यालय जो है ये सब फॉरवर्डे लोग खोले हुए हैं और वो लोग आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किए हैं तो खुल के बोलिए ना कि इस चलते दान रोके हुए हैं अब झूठ मूठ का बहाना क्यों अनियमितता हुई है ये हुई है वो है क्यों कहते हैं अब सीधे क्यों नहीं कहते हैं क्योंकि महाविद्यालय महाविद्यालयों को देखो फॉरवर्डों ने अपना जमीन दान देकर बनाया था और उस पर जो है और निश्चित रूप से वही पढ़े लिखे थे तो उन्हीं के घर के लोग वहाँ पर फ्री में पढ़ा भी रहे हैं फ्री में पढ़ा रहे हैं क्योंकि कई वर्षों से आपने अनुदान तो दिया नहीं है वो शुरू में शुरू किया कि किसी दिन इसको मान्यता मिल जाएगी तो सरकारी कर्मचारी हम बन जाएंगे तो वो तो बना नहीं जो अनुदान की बात हुई वो भी आपने बंद कर दिया फीस लेने से उनको अलग कर दिया कि फीस नहीं ले सकते वितरहित भी घोषित करते तो कम से कम फीस ले कर पढ़ाते वो ठीक से तो ये सारी चीज़ क्यों किए तो ये नीतीश कुमार की सरकार वो चाहे भाजपा के साथ रही हो चाहे राजद के साथ है ये फॉरवर्ड विरोधी है ये कहने के लिए कि सच्चिदानंद की आवश्यकता नहीं है सबको पता है कि पूरी तरह से फॉरवर्ड विरोधी है सबन विरोधी है लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता है सबन का विरोध करके अगर बाकी लोगों का भला कर दिए होते तो भी मैं मान लेता उनके सर्वेक्षण में आया है कि बयासी प्रतिशत ऐसे परिवार हैं बिहार में जिनकी मासिक आय कुल स्रोतों को मिलाकर बीस हजार से कम है मात्र तीन दशमलव नौ प्रतिशत परिवार हैं जिनकी आमदनी पचास हजार से अधिक है महीने की चौंतीस दशमलव तेरह प्रतिशत ऐसे परिवार हैं जिनकी आमदनी छः हजार रुपये प्रति माह से भी कम है परिवार की बात कर रहा हूँ व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं तो जिस बिहार को आपने इतना नीचे पहुंचा दिया है कि पर कैपिटा इनकम से लेकर आपने जो पर परिवार इनकम तक जो है पर फैमिली इनकम भी जो है सब में आपने बिहार को सबसे नीचे कर दिया है पूरे देश में उस बिहार में आप क्या जाति की बात करेंगे और क्या आप अति ये क्या कहते हैं विशेषता दर्जे की बात करेंगे स्वर्णों के मुद्दा को उठाने के नीतीश कुमार नीतीश कुमार हैं अच्छा आज जो भी पार्टियां या राज कर रही हैं इनको केवल दिखाने के लिए कि हम स्वर्ण विरोधी हैं स्वर्ण विरोधी रहेंगे तो बाकी वर्गों का वोट हमको मिल जाया करेगा बाकी वर्गों के लिए कुछ किया नहीं है मैं नहीं कहता हूँ कि संबंधों का नुकसान किया तो बाकी वर्गों का बड़ा भला कर दिया है भला तो इसने तो बिहार का डुबाई दिया है आज देखिएगा तो कौन सा वर्ग है बयासी प्रतिशत लोग जब गरीब हैं बिहार में तो बयासी प्रतिशत में हर वर्ग के लोग गरीब हैं स्वर्ण भी हैं अभी जो आया था सर्वे आपने देखा होगा कि दुमहार जिनको कहा जाता है कि वो लोग बहुत अमीर हैं उसमें भी पच्चीस से अधिक परिवारों की आज छः हजार रुपये से कम है राजपूतों में चौबीस प्रतिशत है ब्राह्मणों में साढ़े चौबीस पच्चीस प्रतिशत है किसकी बात कर रहे हैं यहाँ क्या सवर्ण और क्या दूसरी दूसरी -दू जातियाँ सबको आपने डुबो दिया है सबको आपने डुबो दिया है जो थोड़ा बहुत पहले पढ़ लिख लिए थे बिहार के बाहर चले गए हैं वो अगर कुछ पैसा अपने गांव भेजते हैं तो उन्हीं घरों में कुछ खुशहाली देखने को मिलेगी इस